नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव यादव। आज हमारे साथ हैं सरसों के व्यापारी सुरेश चंद्र जैन जी, तो इनसे जानेंगे सरसों के दामों के बारे में। नमस्कार जैन साहब, पहले तो आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी में। हाँ जी, इस समय अशोक नगर की मंडी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप से जानना चाह रहे हैं कि सरसों के क्या दाम चल रहे हैं। सरसों के दाम चल रहे हैं 47 से 49 तक। सरसों आगे और भविष्य जो है का सरसों का एक महीना बाद उज्जवल होगा। अच्छा, हाँ उज्जवल होगा, एक जून में पानी बरसने के बाद उज्जवल हो जाता है भविष्य सरसों का। लगभग क्या उम्मीद है आपको, कितने ये इनका अमाउंट 53 तक बच सकती है, बस इससे नहीं बिकेगी। 53 तक जाए, 53 तक का वो है, कितने समय तक चल सकता है लगभग अनुमान है? 2 महीने चलती है जी, बरसात बरसात चलेगी, बरसात इसके बाद डाउन हो जाएगी। हाँ, इसके बाद डाउन हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अच्छा, इस समय मंडी में आवक कितनी हो रही है सरसों? अब सरसों की आवक समझो 3,000-4,000 बोरी, 3,000 कम नहीं है। अच्छा, आगामी समय में क्या लगता है सरसों कितनी आएगी जो आप बता रहे हैं उस समय? कम हो जाएगी थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि शासन में तुलने लगी जो 2 महीने चलेंगे, 2 महीने में कितनी आएगी? अब कम हो जाएगी, क्यों शासन तलवारें लगी अब 56-50 में। अच्छा, तो इसीलिए यहाँ और कम हो जाएंगी अब, तो जो समर्थन मूल्य का असर जो है देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। अच्छा, क्योंकि अब किसान RDS होने लगी, पैसा नकदी बैंकों में मिलता नहीं है, तो ये किसान तो जाएगा भाई अब सरसों यहाँ पे 1,000 बोरी की 500 बोरे की रह जाएगी, कम रह जाएगी, धीरे धीरे घटेगी। तो भैया आपका क्या कहना है सरसों के बारे में, क्या मंडी भैया जो आदमी सही बोल रहा है, चाचा सरकारी तौल में तुलेगी, अब वो तौल ने चालू हो भी गई, इसलिए मंडी में आवक कम हो जाएगी। अच्छा, आप धीरे धीरे गिरने लगेगी आवक? नहीं नहीं, आवक गिर जाएगी, बाजार तेज हो जाएंगे। अच्छा, जो 2 महीने बता रहे हैं इस बरसात के मौसम में भाव तेज रहेंगे, इस बारे में क्या? अब ऐसा नहीं, चाचा बोल रहा है वो सही बोल रहा है, चाचा को तो अनुमान ज्यादा है, सरसों का काम करते हैं इसलिए चाचा का अनुमान सही है। अच्छा, तो तेज रहने की उम्मीद है? चाचा जानते हैं अपन तो, बरसात में तेल अपने ऑटोमेटिक होती है, हर साल होती है, यानी कि इस बार भी पूरी उम्मीद है। 200-300 रुपए बढ़ेंगे इसमें, 300 रुपए का अंतर। तो आप जान सकते हैं कि सरसों के किस समय दाम बढ़ेंगे, जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होगा तो कुछ दामों में उछाल आएगा।